हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ न्यू रेसिपी। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत थैंक यू, आपने मेरे 2K सब्सक्राइबर्स करा दिए हैं सबने मिलकर। तो फ्रेंड्स, और आपको सेकंड हैप्पी तीज। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपके लिए न्यू रेसिपी लेके आई हूँ, वो ज़्यादातर बच्चों को पसंद आएगी, वैसे बड़ों को भी अच्छी लगती है फ्रेंड्स। तो मैं स्माइली बनाना सिखाने वाली हूँ आज आपको, जो वो आलू के बनते हैं ना, स्माइली होते हैं, आप उसको ना 10 से 15 दिन स्टोर करके भी रख सकते हैं फ्रीजर में। तो चलिए आइए देखते हैं उसके लिए क्या क्या जरूरत पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें स्माइली फेस बनाने के लिए क्या लेना है, आलू। ये मैंने आलू ले लिए हैं और ये भी थोड़े गर्म है फ्रेंड्स, गर्म गर्म ना आलू अच्छे से पिस जाते हैं, मतलब अच्छे से ठंडे हो जाते हैं, तो उसमें थोड़ी गुठली हो जाती है, आप उसको ना घिस भी सकते हैं अगर आपके आलू ठंडे हैं तो कोई बात नहीं। मैं इसको, ये फॉक ले लिया है मैंने, फॉक से इसको बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल इसमें भी, इसमें ना गांठ नहीं होनी चाहिए फ्रेंड, तभी आपके स्माइली बिल्कुल अच्छे बनेंगे। इसको मैं एक एक करके फोड़ लूंगी ताकि थोड़े ठंडे भी हो जाएंगे। इसको हम सबको अच्छे से फोड़ लेते हैं पहले, एक बीच में फ्रेंड गांठ नहीं होनी चाहिए। मैं तो फ्रेंड्स इसी से करती हूँ, देखिए घिसने की भी जरूरत नहीं होती, नहीं तो कोई कोई कद्दूकस में भी कर सकता है। जितने आलू के आपको बनाने हैं आप उतने ही यूज कर सकते हैं। अब हमने इसको बिल्कुल अच्छे से मैश कर लिया, इसमें एक भी गांठ नहीं है। और अब हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लावर, मैंने ले लिया है कॉर्नफ्लावर, एक चम्मच हम ऐड करेंगे, एक से डेढ़ चम्मच भी आप कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसको करने के बाद हम इसको अच्छे से मैश कर लेंगे, आप हाथ से मैश करें तो ज़्यादा ही अच्छा होगा फ्रेंड, ताकि सारा अच्छा से इक्वल डो बन जाए हमारा। पहले हम इसको मैश कर लेते हैं फ्रेंड्स। हमने इसको बिल्कुल स्मूथ बना लिया है और आपको ये बिल्कुल इसको बहुत अच्छे से गूंदना टाइप है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद हम टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक ऐड कर देंगे, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो ज्यादा मिर्च वगैरह नहीं खाते, आप चटनी ऐड कर सकते हैं, अगर अलग से चटनी दे सकते हैं अगर आपके बच्चे तीखा खाते हैं ज्यादा तो। और मैं इसमें थोड़ी सी अजवाइन डालूंगी ताकि ये नुकसान भी नहीं करे, क्योंकि आलू है फ्रेंड्स और बच्चे बहुत पसंद करते हैं आलू की चीजें खाने, तो आप ऐसे बना के भी दे सकती हैं उनको घर में भी, जरूरी नहीं है हमें मार्केट से ही लाना। अब हम इसमें थोड़ा सा, मैंने इसमें धनिया पाउडर, वैसे आप डाल भी सकते हैं या नहीं भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा मैंने इसमें मसाला डाल दिया है, मैं इसमें डाल दूँ थोड़ा सा मैगी मसाला। अब हम इसको हल्की सी मिर्च, ताकि थोड़ा सा बच्चे टेस्ट से खा भी लेते हैं मिर्च वगैरह, इसको हमें अच्छा सा अच्छे से डो बना लेना है बिल्कुल। इसमें बिल्कुल भी फ्रेंड्स वो नहीं रहनी चाहिए, गांठ नहीं रहनी चाहिए, एक भी आलू ऐसा नहीं रहना चाहिए, तो फिर आपके ना जो ये स्माइली फेस है अच्छे नहीं बनेंगे। और आप इसको बनाने के बाद, जब हम स्माइली कट करके बना लेंगे फ्रेंड, 10 से 15 मिनट, 15 से 20 मिनट भी फ्रीजर में स्टोर करेंगे, तब जाके हम इसको फ्राई करेंगे, तो हमारे बहुत ही अच्छे बनेंगे फ्रेंड्स ये स्माइली फेस। तो हमने देखिए बिल्कुल आटे को बहुत अच्छे, इसको इसमें हमने सिर्फ कॉर्नफ्लावर और आलू मिलाए हैं, और नमक वगैरह आप मसाला कुछ भी ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा वो भी ऐड कर सकते हैं, लाल मिर्च भी अगर आपके बच्चे थोड़ा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने बहुत ही स्मूथ सा डो बना लिया है, मैंने थोड़ा सेट होने रख दिया था आलू, बिल्कुल देखिए बिल्कुल स्मूथ बना है। तो यहाँ मैंने एक पन्नी बिछा ली है, पन्नी लगा ली है, पन्नी आप कोई सी पन्नी ले सकते हैं, और इसके ऊपर, पन्नी के ऊपर इसको रख के हल्का हल्का ऐसे प्रेस करेंगे। और फ्रेंड्स ये दूसरी पन्नी मैंने इसके साथ रखी हुई थी, इसके साथ ही हल्का हल्का हमें इसको ऐसे कर लेना है, ताकि ये चिपकेगा नहीं फ्रेंड, पन्नी से ना चिपकेगा नहीं, और इसको मतलब इक्वल बना लेना, कहीं से ज्यादा मोटा कहीं से ज्यादा पतला नहीं होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। ये इसको बिल्कुल हम इक्वल ऐसे रोटी की तरह बना लेंगे फ्रेंड्स, इक्वल बिल्कुल प्लेन कर लेंगे इसको बिल्कुल इसमें। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने बिल्कुल ऐसे बना ली है रोटी जैसी। अब हम इस पन्नी को हटा देंगे। अब हमें इसको क्या करना है, हमने एक ढक्कन ले लिया है, आप कोई सा भी साइज ले सकते हैं स्माइली का, और इसको हम ऐसे कट कर देंगे, जितना इसमें आसानी से आपसे बन जाए। ये देखिए बिल्कुल हमने साइज ठीक साइज लिया है, ना ज्यादा मोटा ना पतला, हम इसमें प्लेट पे रखते रहेंगे इसको, जितनी भी बनेगी हम इसमें से बना देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और एक्स्ट्रा को हम इसको हटाकर इसको हम एक प्लेट में रख देंगे, फिर हम इसको इसमें स्माइली बनाएंगे।
आइस बनाएंगे। तो हम ये सारा निकाल लेते हैं। ध्यान रहे आपके जो आलू है ये टूटे नहीं, तो अगर हम इसको रेस्ट पे रख देंगे ना फ्रेंड थोड़ी देर तो ये टूटेगा नहीं, ताजा ताजा आलू जो है जल्दी टूट जाता है। अभी मैंने इसको साइड कर दिया। मैंने आइस बनाने के लिए पैन लिया है फ्रेंड, पैन को मैंने अच्छे से धो लिया था। आप कोई स्टिक वगैरह कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले इनकी आइस बनाएंगे, ज्यादा डीपली नहीं करेंगे, सबकी आइस बना देते हैं फ्रेंड्स। पहले हमने बना दी इनकी आइस ताकि ये बच्चे फिर खुश होकर खाते हैं फ्रेंड्स। और हमें स्माइली बनानी है, हमें चम्मच को ऐसे करना है फ्रेंड्स, ऐसे करेंगे तो ऐसे सैड फेस बन जाएगा। इसको हमें ऐसे करके ऐसे बनानी है फ्रेंड। देखिए स्माइली बन गई, थोड़ा सा हमें इसको ऐसे कर देना है स्पून से ना फ्रेंड्स, अपने आप शेप आ जाती है, हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती फ्रेंड्स। तो उड़ गई स्माइली, तो देखिए फ्रेंड्स बन गई ना हमारी स्माइली। तो अब हमें इसको इसे 5 से 10 मिनट हम फ्रीज कर लेंगे, और इतने में इसका भी बना के रेडी करती हूँ, मिलती हूँ 5 मिनट में। दूसरा भी हमने फ्रेंड्स वो आटे को ऐसे इकट्ठा कर लिया। मैं एक बार और बता देती हूँ आपको, इसको अच्छे से हमें ऐसे कर लेना है, और फिर से हमें इसको पन्नी को इसके ऊपर करके हल्के हल्के हाथों से इसे ऐसे, आप बेलन से भी हल्का हल्का पुश कर सकते हैं फ्रेंड, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमें थोड़ा ये मोटे ही बनाने होते हैं ना फ्रेंड्स। और इसकी रिंकल्स निकाल देंगे, पन्नी से बहुत स्मूथली बन जाते हैं फ्रेंड्स। और फिर हमें इसको फिर से कट करना है, जब तक हमारा बिल्कुल आलू ख़त्म नहीं हो जाता तब तक हम इसको बनाते रहेंगे और हमारी स्माइली बनती रहेगी। तो हम इसमें ही आइस बना लेते हैं फ्रेंड्स, बनाने में भी मज़ा आता है ऐसी ऐसी चीज़ें ना, और स्माइल बना लेते हैं। देखिए बन गए हमारे 3 स्माइल, और अभी ये बचा है इसमें 2 और बन जाएंगे, तो मैं अभी मिलती हूँ आपको फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स सारे बन गए हैं हमारे, ये बचा है, तो अगर हम इसको भी कट करेंगे तो ये पतला हो जाएगा, तो हमने इसको ऐसे ही बना लिया है। इसको हम इसको ही स्माइली बना लेंगे थोड़ी सी, ये हमने 2 और बना लिया है इधर, इसको ही हमने स्माइली बना ली। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आई है फ्राई करने की, मैं आपको बिना फ्रीजर में रख के भी फ्राई करके अभी दिखाती हूँ। यहाँ हमने रख दी है कढ़ाई, कढ़ाई में रख दिया है हमने ऑयल गरम करने। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने ऑयल रख दिया है पहले से ही गरम करने के लिए, इसमें मैंने रिफाइंड ऑयल, इसको ना डीप फ्राई करना है फ्रेंड्स। तो हमने ये देखिए ये बना के रेडी कर ली है सारी स्माइली, और ये वाली भी सब। और हम पहले थोड़ा सा डाल के देखेंगे इसमें डो की, हमारा रेडी भी हो गया है, तो हमारा बिल्कुल रेडी है बनने के लिए। तो हम इसमें धीरे धीरे स्माइली को छोड़ते जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स जितनी आसानी से आ जाए आपकी कढ़ाई में उतनी हमें इसे स्माइली को छोड़ते जाना है। आप इसको अगर आप इसको थोड़ी देर इधर में रख देंगे ना फ्रेंड्स तो बहुत ही क्रिस्पी बनेगी, वैसे तो अभी भी बनेगी। मैं आपको इसलिए लाइव दिखा दे रही हूँ क्योंकि मेरे पास अभी इतना अभी से 10 से 15 मिनट लगेंगे फ्रेंड्स इसको रखने के लिए। तो देखिए फ्रेंड बिल्कुल भी चिपक नहीं रही है, और इसको हम जितनी भी हमारी आसानी से इसमें आ जाएगी यही हम स्माइली डाल देंगे। तो देखिए फ्रेंड जब एक तरफ से पक जाएगी थोड़ी ऊपर आ जाएगी अपने आप ही, तो हमें इसे हल्के हल्के हाथों से इसको पलट देना है, हल्का लाइट ब्राउन देना है हमें कलर। और चटनी के साथ सॉस के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है फ्रेंड्स बनानी। अगर आपके घर में जैसे आलू बची जाते हैं, ऑलमोस्ट जो बच्चे वाले घर होते हैं उसमें आलू जरूर बनते हैं, आलू तो सबके फेवरेट होते हैं फ्रेंड। तो ये जल झटपट से बनने वाला नाश्ता है। अगर आप इसमें देखें कोई भी फर्क नहीं लगेगा आपको, अगर मैंने फ्रीजर में रखा है, अभी तो बिल्कुल भी नहीं रखा है फ्रेंड्स, आपके सामने देखिए बिल्कुल ताजे ताजे बना रही हूँ। तो अब इसे हम धीरे धीरे पलटते हैं, इसको हम स्पून से किसी चीज़ से भी पलट सकते हैं थोड़ा आराम आराम से। देखिए फ्रेंड्स इसको हमें पलट देना है, हम धीरे धीरे इसको फ्रेंड्स लाइट ब्राउन होने तक अच्छे से पका लेंगे। गैस हमारी फ्रेंड्स फुल है क्योंकि हमें इसमें सिर्फ फुल में ही तलना है आलू, क्योंकि हमारे बॉयल हैं, सिर्फ हमें इसे हल्का हल्का ही रोस्ट करना है। नहीं तो अगर हम इसे सिम में पकाएंगे ना, क्योंकि वैसे भी क्योंकि हमने इसमें कॉर्न डाला है फ्रेंड्स, तो इसमें ये वैसे ही करारे हो जाएंगे अपने आप ही। अगर हम इसे सिम में करेंगे ना तो इसमें पानी भी सॉरी तेल भी भर सकता है, तो फिर वो ज़्यादा ऑयली अच्छे नहीं होंगे। हमें जल्दी से झटपट से इसको फ्राई कर लेना है, बहुत ही स्लो बहुत ही तेज गैस होनी चाहिए आपकी,
मतलब मीडियम जैसी गैस यूज ही करते हैं, और इसको हमें हल्के हल्के ब्राउन शेड ब्राउन कलर देना है सिर्फ। और फिर इसको हमें किसी टिश्यू पेपर में या किसी चीज में जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा ना फ्रेंड्स, वो निकल जाएगा इसका। तो देखिए फ्रेंड्स, गैस को हम कर देंगे सिम, और हम इसको बिल्कुल ऐसे अच्छे से निचोड़ लेंगे और इसको अच्छे से निकाल लेंगे एक एक करके। ये मैंने ले लिया है बटर पेपर, यहाँ पर बटर पेपर के ऊपर निकाल लेंगे फ्रेंड्स, जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा ये सोख लेगा। हम दो दो भी निकाल सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल सुनहरे सुनहरे हमारे बनके रेडी हो चुके हैं हमारे स्माइली। हम निकाल लेते हैं आराम से। तो देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल ही सुनहरे सुनहरे बनके रेडी हो चुके हैं। और फ्रेंड, बाकी जो भी हमारे बचे हैं उसको भी हम ऐसे ही फ्राई कर देंगे अच्छे से। तो देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल ही क्रंची, बहुत ही स्पाइसी हमारे जो है स्पाइसी हमने चटनी ले ली है फ्रेंड्स। इसलिए मैंने स्पाइसी कहा है क्योंकि बच्चों के लिए बनाए हैं मैंने, तो इतने स्पाइसी नहीं रखी है, थोड़ी सी मिर्च डाली है। यहाँ मैंने ग्रीन चिली वाली सॉस ले लिया और केचप ले लिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही क्रंची और बहुत ही अच्छा कलर आया है। ये होममेड है स्माइली फ्रेंड्स, आप ये ज़रूर घर में बना सकते हैं अपने, और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं कि मैं और क्या बनाऊं आपके लिए ऐसा कुछ। तो चलिए फ्रेंड्स, आप ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट में बताएं कि कमेंट बॉक्स में बताएं कि कैसा लगा आपको ये नाश्ता। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, जैसा ज़्यादा कमेंट करना फ्रेंड्स। और कैसी लगी मेरी रेसिपी, बहुत ही इजी है फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं है मार्केट से लेना, और ये बच्चों को बहुत पसंद आने वाली वीडियो है वो है फ्रेंड्स रेसिपी है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।